आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे मसालेदार चिकन करी आलू के साथ। ये चिकन करी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसको गरम चावल के साथ खाइए या पराठे के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नंदना और आपका स्वागत है माई होम लवली कुकिंग में। तो आइए देखते हैं, आज हम जो चिकन करी बनाएंगे वो 700 ग्राम के हिसाब से बनाएंगे। तो 700 ग्राम चिकन को मैंने अच्छे से धो के साफ करके रखे, उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के सब मसाला को चिकन के साथ मिलाएंगे। मसाला मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ 4 आलू को आधा टुकड़ों में कट के रखे। तो आलू को पहले फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए सरसों का ऑयल डालें, थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डाल के आलू को पहले फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम में रख के आलू को पहले फ्राई कर लेंगे, उससे चिकन करी खाने में अच्छा लगेगा। कुछ देर आलू फ्राई जब हो जाए तब हम आलू के बाद चिकन को फ्राई करेंगे। तो देखिए आलू फ्राई तो हो गया है। अब उसी तेल में हम चिकन को डालें। आप चिकन को भी थोड़ी देर फ्राई करना है, 7-8 मिनट तक चिकन को फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो चिकन फ्राई हो गया है, अब एक ही प्रोसेस से बाकी चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। चिकन जब तक फ्राई हो रहा है तब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये चिकन करी बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता तो है ही। अब मसाले के लिए एक प्याज डालें, 10-12 लहसुन के कलियाँ, 1 इंच के करीब अदरक, 2 टमाटर काट के डालें, 2 हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा दालचीनी, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून धनिया, 2 लौंग, थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लिया। इधर चिकन भी फ्राई हो गया है, उठा के रखे। अब वही तेल में ही मैंने एक प्याज को काट के रखे छोटे छोटे पीसेस में, उसको डालने के बाद एक तेज़पत्ता डाले और थोड़ा सा चीनी दिया। उससे क्या होगा, प्याज जल्दी फ्राई भी हो जाएगा और थोड़ा सा कलर भी आएगा। आप जो मसाला का पेस्ट करके रखे थे उसको डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मिलाएंगे। ऊपर से 1 टीस्पून सरसों का ऑयल दिया, अच्छे से मिलाए। इस टाइम सारे मसाले डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई में रख के बार बार चलाते जाएंगे, नहीं तो नीचे लग सकता है तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। जब मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, उससे कच्चापन चला गया, तब आलू को डालेंगे और चिकन को भी एक साथ मिलाएंगे। इस टाइम चिकन और आलू के साथ मसाले को बार बार चलाते जाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई में ही है। बार बार चलाते जाने के बाद ही हम 1 ग्लास पानी डालें। गैस का फ्लेम हाई में है, जब तक ग्रेवी में उबल ना आ जाता तब तक गैस का फ्लेम हाई में रख के बार बार चलाएंगे। तो देखिए ग्रेवी में उबल आ चुका है। गैस का आँच इस टाइम एकदम धीमा कर देंगे, धीमी आँच में ढक्कन ला के 15-20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। तो 15-20 मिनट बाद चिकन और आलू अच्छे से पक गया है, बहुत ही सुंदर खुशबू आ रहा है इस टाइम। और ऊपर से डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो बस मसालेदार चिकन करी बन के तैयार हो गया है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो दोस्तों आप भी बनाइए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।